हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एल्बो क्लचेस के साथ कैसे चला जाता है ड्यूरिंग रिकवरी फेज़। ये टाइनोर का एक एल्बो क्लच है, ये यूजुअली काफ़ी साइट से मिल जाएगा 500 रुपीज़ तक का। एल्बो क्रचेस के साथ कैसे वॉक करनी है रिकवरी के टाइम। तो अभी ये मेरे पास एक एल्बो क्रचेस है और इसको ये एडजस्टेबल है, यूनिवर्सल है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस पैर में चोट लगी उससे अपोजिट में इसको पकड़ना है, और उसके जो पाल जैसे यहाँ खत्म हो रहा है तो यहाँ तक उसकी हाइट होनी चाहिए। जैसे अभी चेक कर रहे हैं तो ये मेरा काफ़ी छोटा आ रहा है एल्बो क्रच, यहाँ के अराउंड तक होना चाहिए। तो ये एडजस्टेबल यहाँ से हो जाता है, इसको पहले लूज करना है जैसे, और ये एडजस्टेबल पॉइंट है। तो अब जैसे ये मेरे बिल्कुल एडजस्टेबल हाइट पर है, और एल्बो को भी इसी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल है, यहाँ पे भी जो आपके एल्बो है उससे अराउंड 1 इंच नीचे तक इसको यूज करेंगे। तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया है, और ये वॉक करके दिखाते हैं। वॉक के टाइम ये याद रखिएगा कि जो बेसिकली जो बंदे गलती करते हैं, जिस टांग में चोट लगी होती है उसी पे चलने की कोशिश करते हैं, बट ये गलत है प्रोसीजर। जिस टांग में चोट लगी है उससे अपोजिट में क्लचेस पकड़ने होने चाहिए, और एक दूसरे जो ठीक पैर है उसके सामने बिल्कुल फ्रंट पे लाइन, आप इमेजिनरी लाइन बनाएंगे और उससे चलेंगे। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं कि आपको स्टेयर्स पे कैसे चलना है इसके सहारे। गोइंग डाउन के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें स्टिक रखनी है, उसके बाद इंजर्ड जो लेग है वो, एंड देन द गुड लेग है वो। ये हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है गोइंग डाउन के लिए। मूविंग अप के लिए जो हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं वो एग्जैक्ट अपोजिट हैं गोइंग डाउन के लिए। सबसे पहले हमें गुड लेग रखनी है, उसके बाद इंजर्ड लेग, देन स्टिक हमें रखनी है नेक्स्ट स्टेयर्स पे। तो यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है अप के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी। थैंक यू।